वेरी गुड इवनिंग गाइस, चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे मैं आरपी मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्त, हम समावेशी शिक्षा में हमने लिया अपवंचित बालक, समस्यात्मक बालक, फिर प्रतिभाशाली बालक लिया, अब हम लेने जा रहे हैं मंद बुद्धि बालक। तो गाइस, हमारे यहाँ लोग कहते हैं कोई आदमी कोई काम नहीं कर पाता तो मंद बुद्धि बालक कहते यार क्या मंद बुद्धि हो, अर्थात अत्यंत ही क्षीण और कमजोर बुद्धि वाले बालक को मंद बुद्धि बालक कहा गया है। तो इनमें कुछ विशेषताएँ होती, मैंने कोशिश किया है लगभग 13 विशेषताएँ, 13 पहचान मैंने लिखी है। पहली, सीखने की धीमी गति, मतलब जिस चीज़ को बाकी लोग बहुत तेज़ी से सीखते हैं उसी चीज़ को मंदबुद्धि बालक बहुत धीमे धीमे सीखता है। दूसरा, मतलब इनका बचपन से इनके लक्षण दिखने लगते हैं, बहुत देर से चलते हैं, एकदम बहुत आलसी टाइप के, सुस्त और आलसी होते हैं, बहुत देर से रेंगते हैं, बहुत देर से, आम बच्चों से कभी कभी 3 महीने लेट बोलते हैं। और अगला, बुद्धि लब्धि, जैसा कि टर्मन ने अपनी सारणी में बताया है, बुद्धि लब्धि सारणी में, कि मंदबुद्धि बच्चों की जो आईक्यू होती है वो 70 को 70 के नीचे, उन्होंने कई डिवीजन दिए हैं। अगर आपको देखूँ तो सबसे पहले जड़ बुद्धि है, फिर मूढ़ है, फिर मूर्ख बुद्धि है, इस तरह से डिवीजन दिए हैं उन्होंने। तो 70 के नीचे की जो भी बुद्धि लब्धि का स्कोर पाएगा उसे हम मंदबुद्धि बालक कहेंगे। तीसरा, समायोजन की कमी, मतलब एडजस्ट नहीं कर पाते, इनके पास समायोजन नहीं होता। जैसे एक चीज़ को पकड़ लिया है, अगर उसमें थोड़ा सा भी चेंज किया वह उसको आगे समझ नहीं पाएगा। जैसे आपने एक फार्मूला बताया और आपने बोला, वो मतलब बड़ी मुश्किल से समझता है, पहली बात तो सीखने की गति बहुत धीमी होती है, बड़ी मुश्किल से समझ रहा है, फिर आप क्या करते हो, अचानक एक काम करता हूँ इसको थोड़ा दूसरे तरीके से बताऊँगा, फिर वह भूल जाएगा। समायोजन, चेंज को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अधिगम स्थानांतरण में कमजोर, मतलब आपको हंसी आएगी, आप एक सवाल बता रहे हो, वह सूत्र समझ रहे हो, कह रहे हैं हाँ सर मैं समझ रहा हूँ, आपने उसी सवाल को दोबारा सूत्र को सवाल में दे दिया और नहीं लगा पाएगा। आप सोचो, बहुत अजीब सी बात है, एक जगह सीखे गए ज्ञान का दूसरी जगह प्रयोग नहीं कर पाता, यह सबसे बड़ी निशानी है मेरी निगाह में मंदबुद्धि वाला की। मतलब आप कह रहे हो बेटा यह क है, समझिए आपको उदाहरण के थ्रू समझा रहा हूँ, कह रहे हाँ जी मैं समझ रहा हूँ एक क है, फिर आपने कहा यह म है, उसने कहा जी बिल्कुल म है, फिर आपने कहा यह ल है, आप कह रहे बेटा एक काम करो एक शब्द लिखो कमल, वो नहीं लिख पाएगा। आप समझे कितनी बड़ी बात हुई, मतलब एक जगह सीखा गया ज्ञान अलग अलग कहोगे शायद लिख भी लेगा, पर कमल को एक साथ नहीं लिख सकता। अर्थात इतना ज़्यादा कमजोर होता है बुद्धि से कि एक जगह सीखा गया ज्ञान, मतलब वो दूसरी जगह, आपने अक्षर का सिखाया, आप कहो बेटा कलम लिखो, कहेगा हाँ क कहाँ आएगा, वह इतना ज़्यादा कमजोर होता है। दूसरा, विद्यालय, आप इनकी विद्यालय का स्कोर उठा के देखिए, हमेशा नीचे से प्रदर्शन करते हैं, नीचे से टॉप करने वाले होते हैं, विद्यालय उपलब्धि में अत्यंत नीचे होते हैं। साफ़ सफाई, मतलब ये मेंटली इतने रिटार्डेड होते हैं गाइज, आपको क्या बोलूँ, कपड़े गंदे हैं, कपड़ों से बदबू आ रही है, इनको बदबू ही नहीं आती, मतलब इंद्रियों की प्रयोग में भी अत्यंत कमजोर होते हैं, हरा नीला रंग नहीं पहचान पाते, कहने करते होता है कि इनको साफ सफाई भी ध्यान से नहीं रख पाते, गंदे कपड़े एक हफ्ते से पहन रखे हैं। अगला, साफ सफाई, जैसा बोला साफ सफाई न करने वाले बालक। और अब चलेंगे नेक्स्ट, इंद्रिय प्रयोग में कमजोर, मैंने आपको बोला ना कि अगर इनको बोलोगे कि दुर्गंध आती रही है, सुगंध आ रही है, इनको कुछ नहीं पता है, इनको कुछ पता ही नहीं, एकदम गंदगी में बैठा है, आप उस कमरे में जाओगे कहोगे अरे यार यहाँ नहीं रह सकते, यहाँ तो बहुत गंदगी है, वहीं से 2 घंटे वहीं बैठा है। अगला, धैर्य न रख पाने वाले बालक, किसी काम के दौरान मंदबुद्धि होते हैं कि नहीं रुक रुको समझाता हूँ, नहीं नहीं उठ के चल दिया, मतलब धैर्य की कमी होती है, हीन भावना के शिकार, इनको लगता है नहीं यार ये काम मुझसे नहीं होगा, एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इनके अंदर रहता है। अगला, अमूर्त चिंतन लगभग शून्य, मतलब इसको आपको पूरा दिखा के बताना पड़ेगा। अगर आप सोचो बेटा एक काम करो, देखो 5 और 20 कैसे करना पड़ेगा, आपको बस 5 में 4 का गुणा करना है 20 आएगा, आपने बोल दिया, वह इस चीज़ को नहीं समझ पाएगा, आपको करके दिखाना पड़ेगा। अर्थात अगर कोई चीज़ नहीं दिख रही, आप जैसे बता रहे हो बेटा एक काम करो, आप एक लाइन खींचो, फिर ऐसे लाइन खींचो, कब बना लो, वह नहीं बना पाएगा, क्योंकि उसमें अमूर्त चिंतन मंदबुद्धि बालक में बिल्कुल शून्य होता है। मतलब तर्क क्षमता, जैसे आप देख रहे हो कई सारे पॉइंट हैं, एकाग्रता की कमी, आपको बता ही चुका हूँ, यह इसमें जैसे आप सोचो कि क्लास में एकाग्र होकर पढ़े, इसका दिमाग बार बार भटकता रहता है, आप ये पढ़ा रहे हो उस पर कूद गया, हाँ तो यह हो गया एकाग्रता की कमी। और तार्किक चिंतन, मैंने आपको बोला आप एक भी लॉजिकल पावर में, जैसे आप पूछोगे सवाल, अगर लगा भी लिया, आपने पूछा बेटा इस सवाल का उत्तर कैसे आया, वो नहीं बता पाएगा, वह तर्क क्षमता और विश्लेषण क्षमता में दोस्त क्या होता है, अत्यंत ही कमजोर होता है। और अब आएंगे कि मंद बुद्धि बालकों की शिक्षा कैसी दी जानी चाहिए। तो पहला,
विशिष्ट अधिगम या शिक्षण भी दिया। देखिए गाइज, आप समझ रहे हो, प्रतिभाशाली बच्चों की तरह इसमें अमूर्त चिंतन तो होता नहीं है। तो अगर आप ध्यान से देखो, इसके लिए कुछ विशिष्ट शिक्षण भी दिया, जैसे प्रदर्शन विधि, मतलब इसको आप इशारों में मत पढ़ाइए, पूरा सामान ले आइए, किट ले आइए, उसको दिखा दिखा के पढ़ाइए। तो इनके लिए आपने देखा होगा कई बार सीटेट में पूछा भी गया है, मंदबुद्धि बालकों के लिए सबसे बेहतर विधि क्या मानी गई है, प्रदर्शन विधि मानी गई है। अगला, समायोजन की शिक्षा, मैंने अभी आपको बताया ये बदलती परिस्थिति में खुद को एडजस्ट, कोई नई चीज़ ले आए हो, नई नहीं, उनको लग नहीं यार पुराना वाला ढर्रा ही सही है, तो इनको थोड़ा समायोजन एडजस्ट कि बेटा कोई नहीं, जैसे अब क्या हुआ आज उन्होंने 3 रोटी खाई है, आज बोलो यार एक काम करो डेढ़ी रोटी है खा लो, नहीं मुझे तो 3 ही रोटी चाहिए, मंदबुद्धि, उसको चेंज से बहुत प्रॉब्लम होती है। हाँ, अगला, साफ सफाई, इनको कपड़े साफ करने इत्यादि की भी शिक्षा दी जाए, मतलब कि साफ करने का मतलब है कि साफ सुथरा पहनने, इन्हें कपड़े, श्रम की बात नहीं कर रहा हूं। व्यावसायिक, इनको कभी धोखे में शिक्षक ना रखे, ये दिमाग से मोटे होते हैं, आप कहोगे इंजीनियर बन जाए, वैज्ञानिक बन जाए, नहीं शायद नहीं, ऐसा मुश्किल है, सृजनशीलता हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, वो बात नहीं कह रहा हूं, पर इनको शुरू से कठिन कार्य करने के बजाय व्यवसाय, जैसे कोई काम मोटा काम सिखा दिया भाई ठीक है, आप शुरू से ही कोई व्यावसायिक कोर्स सीख लो जिससे आपकी रोजी रोटी चलती रहे, तो शुरू से इनको व्यावसायिक प्रशिक्षण, हस्तकला शिक्षा करके सीखना, जैसे कोई मई काम बनाना, पैकेजिंग का, लोडिंग का, मतलब उसे खासकर श्रम उपयोग करके कमाने की शिक्षा इन्हें दिया जाए। और देखिए जैसा मैंने लिखा है, सीखो और कमाओ, मतलब इनको कोई ऐसी आप ट्रेनिंग दो जिसमें सीखना भी रहे और उपज से एवज में पैसे, अगर आप इसको बोलोगे कि आप इस काम 3 साल करो बेटा, 3 साल बाद आपको 30 लाख रुपए मिलेगा, वह नहीं करेगा, भविष्योन्मुखी नहीं होता मंदबुद्धि वाला, उसको तुरंत पैसा चाहिए। और अगला, मॉन्टेसरी, जैसे आपको बोला इन्हें काम करना, सामान उठाना, इधर उधर करना, इनको आँख का सही प्रयोग करना, सुगंध सही से जानना, स्पर्श, इनको बोलोगे बेटा बर्फ ठंडा होता है, तो आप समझते जाओ, एक उदाहरण दे रहा हूँ, सोचेगा यार क्या ठंडा क्या होता है, आपको बर्फ ले आके उसको स्पर्श कराना पड़ेगा, अर्थात स्पर्श इंद्री से वह जानेगा कि बर्फ क्या होता है, ठंडा होता है, तो इनको आप इंद्रियों का प्रयोग, कर्म इंद्रियों का प्रयोग करना सिखाएं। तो गाइज ओवरऑल आप ये देखते हो कि देखिए यहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें गाइज बताना चाहूँगा इस सारे पॉइंट्स के अलावा। देखिए बेसिक इनकी प्रॉब्लम क्या होती है, इनके गति सीखने की अत्यंत धीमी होती है, एक जगह सीखा ज्ञान दूसरी जगह प्रयोग नहीं कर पाते, खुद को बदलती परिस्थिति में एडजस्ट कराने में इनको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है गाइज। तो आप देख रहे हो समायोजन में प्रॉब्लम होती है, बुद्धि लब्धि 70 से नीचे होती है। तो गाइज यह प्रमुख बातें हैं किस पे, मंदबुद्धि बालक पे। आशा करता हूँ कि शॉर्ट में बहुत कुछ बताने की कोशिश की है। तो चलें गाइज, अगला लेक्चर जाएगा सृजनशील बालक पे। टिल देन IRP मिश्रा से गुड बाय टू यू, थैंक यू।